हेलो फ्रेंड्स, 2 हफ्ते पहले हमने ऑरेंज का सीड लगाया था। उस सीड का अब अपडेट देखते हैं। लगभग 9 दिन हो चुके हैं, तो चलिए फिर इसे खोलते हैं। हमने इसे एयर टाइट डिब्बे में रख दिया था। तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं। चलिए नौ दिन के बाद का ये अपडेट है। चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, देख रहे हैं कि ये रुमाल जो है साफ नहीं था। साफ नहीं था, उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे फंगस ग्रो हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ भी इस तरीके से ये इसमें ज़्यादा फंगस लग गया है यहाँ पे। तो अगर ये कपड़ा क्लीन होता तो इसमें फंगस ग्रो नहीं होते। कपड़ा गंदा होने की वजह से इसमें फंगस लग गया। तो लेकिन फिर भी कुछ बीज हमें सही मिले हैं जो कि ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए, ये रूट इसका निकल चुका है, तो ये हमारे काम लायक है। और लेकिन इसे ज़मीन में लगाने या फिर किसी पॉट में लगाने से पहले हम इसे अच्छे से साफ करेंगे ताकि ये जो फंगस लगा है वो हट जाए। और इसके अलावा ये इसमें से भी रूट निकलना स्टार्ट हो चुका है। और ये दो हमें प्राप्त हुए और सक्सेस रिजल्ट थोड़े कम मिले हैं, बहुत कम मिले हैं, क्योंकि रुमाल गंदा था। मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि साफ और गंदे कपड़े दोनों से क्या फर्क पड़ता है। अगली बार जब हम ऑरेंज का सीड लगाएंगे तो हम किसी साफ कपड़े में लगाएंगे, या फिर सबसे बेहतर यह है कि आप टिश्यू पेपर लीजिए। टिश्यू पेपर बिल्कुल क्लीन रहता है, आप उसे जब ग्रो करेंगे तो कोई भी फंगस जो है आपको दिखेगा नहीं और अच्छी ग्रोथ उसमें देखने को मिलेगी। देखिए इसमें भी रूट निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये 3 बीज हो गए जिसमें फंगस लग गया है, ये भी इसमें भी निकलना स्टार्ट हो गया, लेकिन हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि फंगस लग गया है। और ये इसमें भी ये रूट आना स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे तो इसे लगा सकते हैं। 4 प्राप्त हो गए और इसमें भी निकल गए हैं ये वाला, इसे भी ले सकते हैं 5। और बाकी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादा गड़बड़ा है। ये ब्लैक कलर का हो गया है। चलिए धुल के देखते हैं एक बार कि हो सकता है साफ हो जाए। चलिए फिर अब इतना रहने देते हैं, ये भी चल जाएगा। ठीक है, इतना छोड़ देते हैं, ये ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है। तो कुल मेरे पास 7 बीज हो गए हैं। अब इन 7 बीजों को, 7 बीज से रूट निकल चुके हैं तो फंगस लग गया है, इसलिए हमें सबसे पहले इन बीजों को धुलना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स धुलते हैं बीज। ये मैंने मग में पानी ले लिया है। अब इन बीजों को एक एक करके धुलते हैं। देखिए निकल रहे हैं जो काले काले, ये हट जाए तो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, इन बीजों को हमने धो दिया है अच्छे से, देख सकते हैं अब इसमें फंगस नहीं दिखाई दे रहा होगा और बिल्कुल अच्छे से साफ हो गए हैं। अब चलिए इसे हम मिट्टी में ग्रो करते हैं, क्योंकि रूट तो निकल ही चुका है।
अब ये आसानी से ग्रो हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये छोटा सा पॉट है, अब हम इसे इसमें लगाएंगे। तो इसमें हम पहले छेद कर लेते हैं। पांच छेद कर लिया है, अब एक एक बीज को इसमें रखेंगे। ये जो रूट वाला हिस्सा है वो नीचे रहेगा ऐसे, ताकि जड़ जो है मिट्टी में जाए ऐसे। ठीक उसी तरह यहाँ लगाएंगे, रूट वाला हिस्सा नीचे। इसी तरह अगला, और इसी तरह और लगाएंगे, और इसी तरह एक और लगा देंगे। ऐसे लगाएंगे कि बीज थोड़े थोड़े दिखने लगे। अब हम इसे फुल सनलाइट में ग्रो करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मैंने संतरे का ये प्लांट तैयार किया था, ये भी मैंने बीज से ही तैयार किया था। इसके अलावा मेरे पास एक और प्लांट है। फ्रेंड्स, इसे मैंने ग्राउंड में लगाया है, इसे भी मैंने बीज से तैयार किया है। और बीज मैंने मार्केट से नहीं परचेज किया है, बल्कि वही संतरा का बीज है जो हम लोग खाते हैं, उसी को हमने निकाल कर और फिर रुमाल में रख कर उसे थोड़ा पानी से भिगो दिया था, और हफ्ता 10 दिन बाद रूट निकलने लगेंगी जैसे अभी मैंने दिखाया। तो फ्रेंड्स, मेरा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? बीजों को ग्रो करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको जो हमने दिया वो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।